हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के हम टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं बिलिरुबिन फॉर्मेशन या बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म। दोस्तों, इसके पहले आप चैनल सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जैसे अगर कोई वीडियो बने तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, तो हम बिलिरुबिन फॉर्मेशन देखते हैं कैसे होता है। दोस्तों, बिलिरुबिन क्या है? बिलिरुबिन एक प्रकार का हमारा पिगमेंट है जो येलोविश कलर का होता है और हमारे बॉडी में फॉर्मेशन होता है। और किसके थ्रू कैसे होता है बिलिरुबिन का फॉर्मेशन? जब दोस्तों आरबीसी की लाइसिस, आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, तो आरबीसी से ही बनता है हमारा बिलिरुबिन। आरबीसी जो है वो हमारे लीवर के रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स में जाके ब्रेक डाउन होता है, फिर वहाँ से बनता है। दोस्तों, बिलिरुबिन जो है इसमें दो ऑर्गन्स का ज़्यादा रोल होता है। किसमें? किसका? लीवर का, स्प्लीन का। मेन इंपॉर्टेंट हमारे होते हैं लीवर और स्प्लीन का। तो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बिलिरुबिन फॉर्मेशन कैसे होता है। तो बिलिरुबिन फॉर्मेशन कैसे होता है? आरबीसी है, आरबीसी का लाइफ स्पान कितना है? 120 डेज। जैसे ह्यूमन सैम्पियंस हैं, होमो सैम्पियंस हैं, तो उनका लाइफ स्पैन कितना होता है? 60 साल, 70 साल, 80 साल, ऐसे होता है। दोस्तों, जैसे लाइफ जो होता है आरबीसी का, लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। तो आरबीसी 120 डेज के बाद लीवर में रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स में जाके वहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, वहाँ पे लाइसिस होगा, तो उससे रिलीज होगा हमारा वाटर और हीमोग्लोबिन। वाटर जो है यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाता है, और जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन दो भाग में कैटेगराइज हो जाता है, दो पार्ट में से हम कैटेगराइज करते हैं। किसके किसके? हीम में और ग्लोबिन एमिनो एसिड में। दोस्तों, ग्लोबिन क्या हमारा प्रोटीन है? क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, हर सेल्स बने, कोई हमारे मसल्स बनाने में कोई भी हमारे बनेगा तो उसमें क्या प्रोटीन की ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों, तो ग्लोबिन जो है एमिनो एसिड क्या होगा, ये रीयूटिलाइज हो जाएगा, ये दोबारा जाके रिसाइकिलिंग हो जाता है। फिर बचा है हीम। हीम में दो पार्ट कैटेगराइज किया गया है, आयरन और बिलिरुबिन। दो कैटेगराइज हीम में दो कैटेगराइज किया गया है, आयरन और बिलिरुबिन। बिलिरुबिन क्या है दोस्तों? नॉन आयरन पार्ट है। आयरन भी हमारा क्या हो गया? ये भी हमारे रीयूटिलाइज में चला जाएगा। लेकिन बिलिरुबिन जो है, बिलिरुबिन हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम के थ्रू बिलिरुबिन में कन्वर्ट होता है। फिर ये बिलिरुबिन जो है दोस्तों, ये जो बिलिरुबिन है, बिलिरुबिन रिडक्टेज, यहाँ पे एंजाइम एक काम करता है जिसका नाम है बिलिरुबिन रिडक्टेज के एंजाइम की प्रेजेंस में एक कन्वर्ट हो जाता है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन किसमें? बिलिरुबिन अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन। अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन दोस्तों क्या है? इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। जैसे आपने पढ़ा होगा बिलिरुबिन तीन टाइप होता है, टोटल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट को बोलते हैं अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, और डायरेक्ट को बोलते हैं कंजुगेटेड बिलिरुबिन। तो जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है वाटर इनसॉल्युबल होता है। इसके बाद जब हमारा बिलिरुबिन अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ये हमारा कन्वर्ट हो गया यहाँ पे एंजाइम में बिलिरुबिन रिडक्टेज एंजाइम के थ्रू, फिर यहाँ पे दोस्तों एक एल्बुमिन के साथ ये बाइंड करता है। किसके साथ? एल्बुमिन के साथ। बिलिरुबिन कंजुगेट के साथ, जो हमारा बिलिरुबिन अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है, एल्बुमिन के साथ ये बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड के प्रेजेंस में कंजुगेटेड बिलिरुबिन बनाएगा। इसका फंक्शन कहाँ पे होता है दोस्तों? ये लीवर में होता है। इसका कंजुगेटेड बिलिरुबिन कहाँ पे बना? ये लीवर में। लीवर में कंजुगेटेड बिलिरुबिन बना जो कि हमारा वाटर सॉल्युबल होता है। फिर इसके बाद जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन बना है ये जाएगा हमारे ड्यूओडेनम में। कहाँ पे जाएगा? ड्यूओडेनम में। ड्यूओडेनम हमारा है ये ड्यूओडेनम में जो हमारा ये है ड्यूओडेनम का, ये ड्यूओडेनम में जाने के बाद ये जाएगा कोलोन में। कोलोन में इसमें ये कोलोन हमारा है। ड्यूओडेनम से किसमें जाएगा? कोलोन में। कोलोन में जाने के बाद यहाँ पे बैक्टीरियल एक्शन होता है। बैक्टीरियल एक्शन होगा जिसके थ्रू क्या होगा, हमारा बैक्टीरियल एक्शन होने से यूरोबिलिरुबिन और स्टर्कोबिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों, तो आप लोगों हम कन्वर्ट करने, कोलोन से पहले बता देता हूँ, ये हमारा क्या कोलोन है। कोलोन है तो यहाँ से 10 से 15% जो होते हैं हमारे बिलिरुबिन एक कन्वर्ट ब्लड में फिर से चले जाते हैं वापस में, फिर से कन्वर्ट हो 10 से 15% चले जाते हैं। इसके बाद कुछ जो हमारे होते हैं लीवर के सेल्स में चले जाते हैं, लीवर में चले जाते हैं, और कुछ जो हमारे होते हैं ये यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे हैं कोलोन में आया, कोलोन में आने के बाद कोलोन में बैक्टीरियल एक्शन होता है। बैक्टीरियल एक्शन होगा, बैक्टीरियल एक्शन होने के बाद इसमें दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। कौन कौन सा? यूरोबिलिरुबिन, स्टर्कोबिलिरुबिन। जो हमारे पिगमेंट है दो में कैटेगराइज हो गया, कहाँ से? कोलोन से, बैक्टीरियल एक्शन होने के बाद। तो यूरोबिलिरुबिन जो है, यूरोबिलिन में कन्वर्ट होगा ये, जो कि एक पिगमेंट है जो यूरोबिलिरुबिन को कन्वर्ट करता है यूरोबिलिन में, येलो कलर का जो पिगमेंट है। दोस्तों, जो यूरोबिलिन है ये आएगा थ्रू किसके थ्रू? यूरिन के थ्रू, तो हम बोलेंगे यूरोबिलिन।
स्टर्कोबिलिन जब कन्वर्ट होगा स्टर्कोबिलिन में तो ये आएगा स्टूलोफिसेस में दोस्तों, जब ये यूरिन में आएगा यूरोबिलिन तो हम यूरिनोजन बोलेंगे, जब स्टूल में आएगा तो स्टर्कोबिलिनोजन बोलेंगे दोस्तों। आई होप आप लोगों को समझ नहीं समझ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना।